दावा किया है वो 1 करोड़ कार्यकर्ता 5 करोड़ लोगों को खाना खिलाएंगे, यानी प्रतिदिन आप 5 करोड़ हिंदुस्तानियों को कोरोना संकट में खाना खिला रहे हैं, ये बीजेपी का दावा है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए क्या आपको लगता है 5 करोड़ लोगों को पूरे देश में बीजेपी प्रतिदिन खाना खिला रही है? बंगाल की राज्य सरकार हमको अनुमति नहीं दे रही है, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार हमको अनुमति नहीं दे रही है, झारखंड की राज्य सरकार हमको ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं दे रही है। और मैंने तब भी कहा था, जब आप लॉकडाउन घोषित करने के लिए अनुमति नहीं लेते हैं राज्यों की, तो आप ट्रेन चलाने के लिए अनुमति का बहाना क्यों करते हैं? जैन साथियों, इस लॉकडाउन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तमाम बड़े बड़े दावे हम लोगों ने देखे, बहुत बड़ी बड़ी बातें देखी कि ये कर रहे हैं इस देश के लोगों के लिए, वो कर रहे हैं इस देश के लोगों के लिए। और उन्होंने आह्वान भी किया कि अब आपको पूरे देश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ऐसा करना है वैसा करना है, उसमें भी जनता ने उनका साथ दिया। लेकिन नहीं आता कि देश के लोगों के साथ ये दिन दहाड़े खुलेआम झूठ बोलने की कार्यवाही बार बार भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है। और इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद अपनी पूरी बात करूंगा। ये आप जरूर देखिए और सुनिए इसको। 80,000 करोड़ रुपया का पैकेज देने का घोषित किया, हमने तय किया है कि कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा। खड़ा हो तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो, 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। हर संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई। मैं आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ आपको? मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और जो कुछ देते नहीं है, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय आ गया। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े दावे, उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए घोषित किया था, 1,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए घोषित किया था, 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार के लिए घोषित किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे संकट के समय में पैकेज घोषित किए जाते हैं। वो किसी दूसरी मीटिंग का संदर्भ लेते हुए उन्होंने बोला है, किसी संकट के समय में कैसे पैकेजों की घोषणा की जाती है। और आज की तारीख में इस कोरोना संकट के समय में भी एक डेटा, एक बड़ा फिगर देश के सामने रखा गया, 20,00,000 करोड़ रुपए का पैकेज पूरे हिंदुस्तान को दे दिया गया। लेकिन क्या इसमें गरीबों के लिए कुछ मिला? क्या इस पैकेज की जमीनी कोई वास्तविकता या सच्चाई आपको दिखती है? इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, आप सारे लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं एक और बात, इस कोरोना संकट के समय में जो बीजेपी का दावा था उसका सच आपके सामने रखना चाहूंगा। और वो सच ये है कि बीजेपी ने ये आह्वान किया था कि पूरे देश में 1 करोड़ कार्यकर्ता, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि बीजेपी की जो मेंबरशिप है पूरे देश में वो 180 मिलियन यानी करीब करीब 18 करोड़ सदस्य बीजेपी के हैं। बीजेपी अपने आप को
पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। तो 180 मिलियन बीजेपी के मेंबर हैं, ये देख लीजिए आप, गूगल पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। और 180 मिलियन का मतलब 18 करोड़ सदस्य बीजेपी के हैं। अब आगे आते हैं, अब इन 18 करोड़ सदस्यों को उन्होंने आह्वान नहीं किया, इनमें से सिर्फ 1 करोड़ को किया। अगर 18 करोड़ को करते तो शायद परिस्थितियां आज बिल्कुल अलग हो जाती, शायद 90 करोड़ लोगों को खाना खिलाने की बात हो जाती। लेकिन ये बीजेपी का दावा है कि 1 करोड़ कार्यकर्ता उनके 5 करोड़ लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाएंगे। बीजेपी के 1 करोड़ कार्यकर्ता 5 लोगों को प्रतिदिन, यानी 5 करोड़ लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाएंगे। ये आह्वान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, और ये कब का किया हुआ आह्वान है, ये कब का ऐलान है, ये 26 मार्च का ऐलान है। 26 मार्च का ऐलान है, 26 मार्च से 5 करोड़ लोगों को प्रतिदिन बीजेपी खाना खिला रही है देश में, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि 26 मार्च से आज तक अगर आप इस संख्या को जोड़ेंगे तो करीब करीब भाजपा के दावों के मुताबिक 275 करोड़ थाली वो खाना खिला चुके हैं। 275 करोड़ थाली, आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा दावा है बीजेपी का? आपको कहीं दिखा देश में 5 करोड़ लोगों को बीजेपी खाना खिला रही प्रतिदिन? आपको कहीं दिखा कि 275 करोड़ थाली खाना अब तक बीजेपी पूरे देश में खिला चुकी है? आपको कहीं ये बातें दिखी? और 18 करोड़ उनके मेंबर हैं, अगर मेंबरों का दावा कर देते तो मेरे ख्याल से 90 करोड़, मुझे तो लगता है कि पड़ोसी देश भूटान को, नेपाल को, बांग्लादेश को और श्रीलंका को, सबको, अड़ोस पड़ोस के सारे देशों को खाना खिलाने का दावा कर देती बीजेपी। लेकिन चलो अच्छा है कि उन्होंने 1 करोड़ लोगों का दावा किया था। इस तरह का झूठ भारतीय जनता पार्टी क्यों बोलती है? आए दिन आम आदमी पार्टी पे सवाल उठाते हैं, केजरीवाल 10 लाख का लोगों को रसोई चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, केजरीवाल 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं, आम आदमी पार्टी 10 लाख लोगों की रसोई चला रही है कि नहीं चला रही है। अरे भाई, तुमने जो दावा किया है वो 1 करोड़ कार्यकर्ता 5 करोड़ लोगों को खाना खिलाएंगे, यानी प्रतिदिन आप 5 करोड़ हिंदुस्तानियों को कोरोना संकट में खाना खिला रहे हैं, ये बीजेपी का दावा है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए क्या आपको लगता है 5 करोड़ लोगों को पूरे देश में बीजेपी प्रतिदिन खाना खिला रही है, उसके कार्यकर्ता खाना खिला रहे हैं? ये दावे में कहीं आपको दूर दूर तक कोई सच्चाई नजर आती है? तो ऐसा झूठ, ऐसा दिन दहाड़े झूठ बोलना, खुलेआम झूठ बोलना, गरीबों का मजाक उड़ाना, ये क्यों भारतीय जनता पार्टी बार बार करती है? गरीब विरोधी मानसिकता बीजेपी की है, ये अमीरों की पार्टी है, इन्होंने गरीबों को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। आप देखिए कल भागलपुर में भी एक्सीडेंट हो गया, बिहार के अंदर 9 लोगों की जान चली गई, उसके पहले औरैया में 24 लोगों की जान चली गई, उसके पहले औरंगाबाद में 16 लोगों की जान चली गई, 6 लोगों की जान सागर में चली गई, 5 लोगों की जान मुजफ्फरनगर में चली गई। पूरे देश में मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर, वो जमीन पर, सड़क पर बैठा है, आस लगाए घर जाने के लिए, वो उसके पांव में छाले पड़ जा रहे हैं। माताओं बहनों की ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, आंख से आंसू निकल आएगा, एक महिला की डिलीवरी रास्ते में हो गई, इस तरह की खबरें आ रही हैं, लोग मर जा रहे हैं चलते चलते। लेकिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कल आपने देखा गृह मंत्रालय का आदेश आ गया, अब गृह मंत्रालय कह रहा है राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, ट्रेन चल सकती है। इसके पहले पीयूष गोयल जी क्या कह रहे थे, बंगाल की राज्य सरकार हमको अनुमति नहीं दे रही है, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार हमको अनुमति नहीं दे रही है, झारखंड की राज्य सरकार हमको ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं दे रही है। और मैंने तब भी कहा था, आम आदमी पार्टी ने तब भी कहा था, एनडीएमए एक्ट लागू है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, यानी इस एक्ट के तहत भारत की सरकार, केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है, उसको किसी अनुमति की जरूरत नहीं। जब आप लॉकडाउन घोषित करने के लिए अनुमति नहीं लेते हैं राज्यों की, तो आप ट्रेन चलाने के लिए अनुमति का बहाना क्यों करते हैं? क्यों बार बार अनुमति अनुमति का एक बहाना लेके झूठ बोलते हैं देश के लोगों के साथ? कल गृह मंत्रालय ने आदेश कर दिया कि अब राज्यों की अनुमति की जरूरत नहीं, अब ट्रेनें चल सकती हैं।
इसका मतलब इन 10 दिनों तक आप जानबूझकर इन गरीब लोगों को सड़क पर मरने के लिए मजबूर किया आपने। तो यह है बीजेपी की सच्चाई, यह है बीजेपी की असलियत, यह है बीजेपी का असली चेहरा। इस महामारी के, इस संकट के समय में भी वो लोग झूठ बोलने में, फरेब बोलने में, लोगों के साथ छल करने में बाज नहीं आ रहे हैं। इनको पहचानिए, इनको जानिए। इंकलाब जिंदाबाद।